holding on to what I know to it. Hello guys, what's up everyone? This is Rahul back in with a new video. So guys, आज का वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, कुछ एकदम तूफानी टाइप का, जो YouTube साम्राज्य में शायद नहीं है, किसी ने वीडियो नहीं बनाया, शायद मैं ही पहला हूँ. तो गाइस चलिए वीडियो को देखते रहिए एंड तक, शुरुआत से लेकर एंड तक, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है. और गाइस मुझे वीडियो अपलोड करने में लेट होता है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाता. चलिए बिना बाकी उसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं. टाइटल सामने देखकर समझ गए आप कि आज मैं डियो में डिक्स इंस्टॉल करने वाला हूँ, वो भी ग्राजिया का. तो मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या पार्ट्स उसके लिए लगाए. तो गाइस इसके लिए मैंने पार्ट्स क्या क्या लिया है, देखिए येलो भी लिया है, व्हील लिया है टायर का साथ, इसमें डिस्क प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, ये चाहिए होगा. फिर ग्राजिया का दो सस्पेंशन, राइट लेफ्ट, ये हो गया कैलिबर, ये रहा ब्रेक पाइप और रहा गया मास्टर सिलेंडर. ये एक दो तीन चार पाँच छः, छः सामान आपको लोगों को ले जाना पड़ेगा. जल्दी ये छः सामान जो आपके सामने है, ये छः सामान आप लोगों को लेना पड़ेगा इंस्टॉल करने के लिए. चलिए गाइस इसमें अभी इंस्टॉल करते हैं, तो मेरे साथ वीडियो में लगे रहिए, आप भी इतना मेहनत कीजिए. Unknown brain, Marvin Divine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turn nothing into something. No more dealing with their assumptions, cause I do what I gotta do and I know. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind to see that I'm. Guys, sab andar ko sab khol diya. Tire, suspension, upper ka lever, abhi lagayenge grazia wala. सेम इसी टीप है जो डस्टनी है, हीरो डस्टनी का है. चलिए इसको फिटिंग करते हैं इसमें. सस्पेंशन बैठा दिया अभी सब जगह उनका, अब इसमें बैठेंगे व्हील, ये व्हील डिस्क का साथ. आप लोग देखिए कैसा लगा. So faceless. गाइस अभी इसमें कैलिवर और मास्टर सिलेंडर बैठा है. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires. So guys, this installation का procedure वो खत्म. अभी पूरा naked है, अभी पूरा नंगा है. इसमें लगाते हैं visor, फिर आप लोगों को test ride मार के बताते हैं. तो हम तो अच्छा कर रहे हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ, अब देख सकते हैं. एकदम बोले तो कूल परफॉर्म कर रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा आगे से. चलिए इसमें वाइजर लगा के फिर आप रोटेशन मार के फिर आपसे बात करते हैं. तो वाइजर भी लगा दिया है, अभी बारी टेस्ट मारने का, टेस्ट मार के फिर आप बता रहे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. गाइस प्रोसेसिंग वाला ख़त्म, टेस्ट राइड मेरे को भी देख लिया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मक्खन जैसा परफॉर्म कर रहा है. सस्पेंशन प्लस डिस्क का साथ, हाथ वाला देख सकते हैं एकदम टोटली ब्लैक हो चुका है, बहुत मेहनत हुआ है भाई. और गाइस एक ज़रूरी सूचना, अगर ये ग्राजिया का फोक और ये डिस्क व्हील लगाते हैं तो आप मीटर केबल नहीं बैठेगा इसमें, जो मीटर ओडोमीटर नहीं काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि इसमें ग्राजिया में गियर बॉक्स में होता है उसका मीटर पिनियन, जो स्पीडोमीटर काटा होता है ना वो गियर बॉक्स में होता है, इसमें नहीं है. आप लोगों को एविटर का लेना पड़ेगा जिसमें मीटर केबल हो, आगे में जिसमें डिस्क वाला हो, मीटर केबल हो, वो वाला आप लोग लेने से
आपको मीटर भी काम करेगा और डिस्क भी काम करेगा। अगर आप लोग मीटर नहीं चाहिए तो आप ग्रैजिया का बैठा सकते बिंदास। बस इतना ही बोलना था, बाकी आप लोग देख लीजिए कैसा लग रहा है, कैसे खिदमत है आप लोगों का डीओ में डिक्स। बहुत सारा कमेंट आ रहा था और ख़ासकर उड़ीसा वाला भाई को, भाई देख लो तुम्हारे लिए तुम्हारा डीओ है ना, उसमें मॉडिफिकेशन करो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे वीडियोज़ देखने के लिए। और देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे और मुझे ग्रो करने में भी हेल्प मिलेगा। चलिए गाइस अभी लेते हैं अलविदा डीओ का साथ ही, बाय बाय। Sunday, I can feel the beat on my heart and beat. Cause it tastes